आज इस नई वीडियो में मैं बात करता हूं आपसे जेनेटिक्स जो जीन शब्द से बना है। इसे कहते हैं आनुवांशिकी। आनुवांशिकी शब्द को सबसे पहले जो परिभाषित किया था वो थे बैटसन। मिस बैटसन ने सबसे पहले आनुवांशिकी शब्द का गठन किया। आनुवांशिकी है क्या? आनुवांशिकी या जेनेटिक्स ए ब्रांचेज ऑफ साइंस इन विच स्टडी मेंडल्स इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिटेंस इट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता या आनुवांशिकता से संबंधित नियमों का अध्ययन किया जाता है। उस विज्ञान की शाखा को आनुवांशिकी कहते हैं। इस आनुवांशिकी का गठन बैटसन ने किया। इसी से शब्द निकलता है कि आनुवांशिकी के अंदर आनुवांशिकता इसको इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी मीन्स वन पेयर करेक्टर ट्रांसफर इनटू सेकंड पेयर करेक्टर पेरेंटियल मीन्स एक पीढ़ी एक जनरेशन की जो करेक्टर्स होते हैं उनका नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसफर होना है वो हेरिडिटी होती है। जैसे माता पिता के लक्षणों का संतानों में आना आनुवांशिकता कहलाता है। इसी प्रकार जनक पीढ़ी के लक्षणों का संतति पीढ़ी में आना आनुवांशिकता कहलाता है। इसी प्रकार एक पीढ़ी के लक्षणों का दूसरी पीढ़ी में आना आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिकता शब्द का गठन स्पेंसर ने किया। किसने किया? स्पेंसर ने आनुवांशिकता शब्द का गठन किया। लेकिन हम देखते हैं आनुवांश के अंदर ऐसा बताया गया कि आम से आम का, नीम से नीम का, मानव से मानव का, बंदर से बंदर का, कुत्ते से कुत्ते का बच्चा होता है। इसका मतलब ये आवश्यक नहीं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो, किसान का बेटा किसान हो, एक शिक्षक का बेटा एक बुद्धिमान हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं। क्योंकि माता पिता से जो उत्पन्न संतान है उसका संबंध आनुवंशिकता से अधिक वातावरण से भी होता है कि कोई भी जीव जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण के करैक्टर भी इसके अंदर समाहित हो जाते हैं। तो इसके द्वारा एक उत्पन्न होती है विभिन्नता, वेरिएशंस, और विभिन्नता ही जैव विकास का एक प्रमुख कारण बना। नहीं आज भी हमारी सकल सूरत वैसी होती जैसे प्रारंभ में आदि मानव की थी, लेकिन आनुवांशिकता का एक पार्ट है विभिन्नता जिसके कारण जैव विकास का, मानव विकास का उद्भव हो सका। नहीं आज का जो मनुष्य है होमो सेपियंस वो होमो हैबिलिस की तरह, होमो इरेक्टस की तरह, क्रो मैग्नन मानव की तरह, नियंडरथल मानव की तरह, ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव की तरह ही होता, लेकिन विभिन्नता के द्वारा जीवों की उन्नत अवस्था में लगातार परिवर्तन होता गया और आज का जो मानव है होमो सेपियंस आधुनिक मानव पूर्व के मानव से विभिन्नता लिए हुए है। और आने वाले जो समय है, आने वाले समय में जो आज हम होमो सेपियंस हैं, आने वाले समय का मानव होमो फ्यूचरिस होगा, उसका कारण भी विभिन्नता है, वेरिएशंस है। इसका मतलब माता पिता के लक्षणों का संतानों में नहीं आना विभिन्नता कहलाता है। इसलिए यदि किसी जीव के लक्षण अपने माता पिता से भिन्न है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उस माता पिता का नहीं है, उसमें विभिन्नता है, वो जैव विकास का एक उदाहरण है। तो विभिन्नता माता पिता या एक पीढ़ी के लक्षणों का दूसरी पीढ़ी में नहीं आना विभिन्नता कहलाता है।
इन सभी में एक कारक होता है जीन। जीन क्या है? आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई जीन कहलाती है। और जीन के बारे में जॉनसन ने सन 1909 में जीन शब्द का गठन किया और कहा कि जीन वह कारक है जिसके द्वारा आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। आपने नाम सुना होगा मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। इन मेंडल को ही आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, यानी मेंडल ए फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है और मेंडल ने ही मटर के पौधे पर प्रयोग किए। उस मटर के पौधे को पाइसम सटाइबम नाम से जाना जाता है। तो आगे मैं मेंडल बाद के बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा।